हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो अभी मतलब कि ये प्रपोज करा जा रहा है कि जेके एसएसबी ये कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम कंडक्ट करा करेगी सभी एग्ज़ाम्स के लिए, मतलब कि नाउ देर विल बी नो नीड ऑफ कंडक्टिंग सेपरेट एग्ज़ाम फॉर अ पर्टिकुलर पोस्ट। सो अब जो है मतलब कि ये कुछ पोस्ट मेंशन करी गई हैं ग्रेजुएट लेवल की, जिनके लिए कंबाइन एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट करा जाएगा, जैसे एसएससी वगैरह करते हैं। ये आप पोस्ट देख सकते हो नीचे, ठीक है, कि ये वाली जितनी पोस्ट है जिसमें अकाउंट असिस्टेंट, हेल्थ एजुकेटर, जूनियर असिस्टेंट वगैरह वगैरह, ठीक है, तो इनके लिए कंबाइन एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट करा जाएगा। बट हाँ, तो एक चीज़ मतलब कि ये बहुत अच्छी है कि मतलब कि हम लोगों को अलग अलग फॉर्म नहीं लगाना पड़ेंगे, हर एग्ज़ाम का मतलब अलग अलग सिलेबस और प्रिपरेशन नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो यह मतलब कि सिर्फ एक एग्ज़ाम देना होगा, एक ही फॉर्म भरना होगा, तो ये मतलब बहुत अच्छी बात है, ठीक है, ऐसा होना चाहिए। बट प्रॉब्लम जो है वो ये है सिलेबस के रिलेटेड, क्योंकि जैसा एसएससी का सिलेबस है सेम वैसा का वैसा यहाँ पे मेंशन करा, जो कि मतलब कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट बिलोंगिंग टू जेएंडके उनके लिए ठीक नहीं है, ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर मैथ का है इसमें 25 मार्क्स, तो मतलब कि जो ज़्यादातर इधर जेएंडके में देखो आर्ट्स और साइंस बैकग्राउंड से होता है, मैथ वाले कम ही होते हैं, ठीक है। तो मतलब कि हर जो भी हो, मतलब के जो आर्ट्स बैकग्राउंड से हों, साइंस से हों, मतलब के बायो साइंस से, दूसरे जिनका मैथ नहीं है, तो उनके लिए ये अच्छा नहीं है, क्योंकि 25 मार्क्स तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के चले गए, तो मतलब के फिर जो आर्ट्स बैकग्राउंड से होते हैं या नॉन मैथ वाले, तो उनकी तो उम्मीद ही टूट जाती है कि इसमें तो हो ही नहीं पाएगा उनका, ठीक है। तो इशू बस ये है कि मैथ वाला एटलीस्ट ये 10 मार्क्स से ऊपर नहीं होना चाहिए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का, ठीक है, और जो जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग है ये भी तकरीबन 15 मार्क्स तक होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है, और बाकी तो ठीक है। तो रही बात सेकंड टायर की, यहाँ पे भी एक इशू है, इशू यहाँ पे ये है कि डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि डिस्क्रिप्टिव पेपर में जो मार्क चेकिंग होती है वो मतलब कि 100% तो करेक्ट होती नहीं है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव हो तो उसमें तो 100% मतलब एमसीक्यू बेस्ड हो उसमें तो 101% श्योर होता है कि अगर करेक्ट ही करा तो उसका फुल मार्क्स मिलना ही मिलना है, तो डिस्क्रिप्टिव में ऐसा नहीं होता, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव में मार्क्स ऊपर नीचे हो सकते हैं, तो यहाँ पे चांसेस थोड़े मतलब बढ़ जाते हैं थोड़े मतलब करप्शन के भी, ठीक है। तो हमें दो चीज़ें रेज करनी होंगी, एक तो ये सिलेबस जो है ये मैथ का कम से कम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 10 मार्क्स का होना चाहिए, इससे ऊपर नहीं होना चाहिए, और रीजनिंग का भी तकरीबन 10-1 मार्क्स कम होना चाहिए, 15 मार्क्स का होना चाहिए तकरीबन, इससे ज़्यादा नहीं। और दूसरा ये है कि सेकंड टायर जो है ये मतलब एमसीक्यू बेस्ड ही होना चाहिए और ये डिस्क्रिप्टिव नहीं होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है, वरना मतलब के बहुत सारे लोगों का इसमें लॉस होगा, स्पेशली जो आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं, तो हाँ टायर फर्स्ट में वहाँ पे उनका लॉस होगा, और टायर टू में ये है कि इसमें थोड़ा मार्क्स 100% एक्यूरेसी नहीं होती है सब्जेक्टिव में, ठीक है, एग्जामिनर तो ज़्यादा भी दे सकता है कम भी दे सकता है, तो इसलिए ये जो है या तो सिर्फ हाँ मतलब कि ये एमसीक्यू बेस्ड होना चाहिए जैसे बैंक पीओ वगैरह में होता है, ठीक है। तो ये दो चीज़ें आप लोग हाईलाइट करो, बहुत ज़रूरी है, वरना इम्प्लीमेंट हो गया ना ये यही सिलेबस, तो फिर बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो उनकी उम्मीद नहीं रहेगी जॉब के लिए। थैंक यू।